नमस्कार, उत्तराखंड प्राइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। मिशन निगाह 2018, कांग्रेस की कसरत, मैराथन मंथन। जी हां, उत्तराखंड प्राइम में बात होगी सबसे पहले इसी मुद्दे की। भले ही अभी निकाय चुनाव के लिए रणभेरी बजने में कुछ वक्त बचा हुआ हो, मगर अब चाहे कांग्रेस हो या भाजपा या फिर कोई तीसरा दल, सभी निकाय चुनाव में कूदने के लिए अभी से ही रणनीति का खाका बनाने में लग गए हैं। ये अच्छी बात है, हर कोई जीत की उम्मीद को देखते हुए रणनीति कागज पर उतारता है। इस दिशा में अगर कांग्रेस की बात की जाए तो यकीनन कांग्रेस के घर में कसरत अब तेज हो चली है। बुधवार को पीसीसी चीफ की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। अब सवाल ये कि बैठक में क्या कुछ खास रहा, कांग्रेस के योद्धा किन मुद्दों के जरिए आगे बढ़ेंगे और निकाय चुनाव में जीत का डंका बजाने के लिए पंजाधारी क्या कुछ तैयारी के साथ आगे बढ़ेंगे। अभी एक बैठक हुई है, एक और बैठक होगी, मगर जरा समझिए कि कांग्रेस में हुई मैराथन मंथन में क्या कुछ निकला, इस पर भी करेंगे विस्तार से बातचीत। साथ ही बात होगी दूसरे विषय की भी। आज आपको एक बार फिर रुद्रपुर लेकर चलेंगे। आज बात करेंगे कांग्रेस के घर की। भाजपा के दावेदारों से तो आप मिल चुके हैं, कांग्रेस के घर को भी तो समझना जरूरी है। कैसा है रुद्रपुर कांग्रेस के घर का माहौल, इंतजार कीजिए। दूसरे मुद्दे का भी, इस पर भी होगी विस्तार से बातचीत, मगर सबसे पहले बात आज के पहले मुद्दे की। चलिए, तो कांग्रेस के अंदर चिंतन मंथन की शुरुआत हो चुकी है, पहली बैठक हुई है, तमाम विषयों को लेकर बातचीत की गई। किन किन मुद्दों पर मुख्य रूप से बातचीत हुई, क्या रणनीति तय हुई है, आगे की बैठक में क्या तय होगा, इन तमाम विषयों को टटोलती हमारी ये रिपोर्ट देखिए और इस रिपोर्ट के बाद सवाल जवाब का सिलसिला। आज जो है गढ़वाल मंडल के तमाम वो साथी, तमाम वो नेतागण जो हर जिले में अपना एक वजूद रखते हैं, वहाँ पर आज उपस्थित हैं और मैंने उनसे भी कहा है और हम प्रत्येक जनपद में जो है ऑब्जर्वर भी भेजने का काम करेंगे। चुनावों में लगातार भगपिटने और संगठन की सेहत लगातार लड़खड़ाने के बाद अप्रैल 2018 में होने वाले निकाय चुनाव में जीत हासिल करने या फिर अपनी खोई हुई साख को वापस पाने के लिए कांग्रेस में कसरत तेज हो चली है। लिहाजा बुधवार को कांग्रेस पीसीसी चीफ की अगुवाई में राज्य की राजधानी दून में बैठक आहूत की गई। बैठक का सिंगल पॉइंट एजेंडा ये रहा कि किस तरह से निकायों में पंजे को न सिर्फ मजबूत करना है बल्कि जिस कांग्रेस के साख पर बट्टा लग चुका है उस साख को भी धोकर रख देना है। लिहाजा इस बैठक में संगठन सरदार के अलावा नेता प्रतिपक्ष और कई संगठन शूरवीर भी पहुंचे हुए थे। आज वो रणनीति के लिए बैठक अध्यक्ष जी ने बुलाई है। तो हर चुनाव महत्वपूर्ण होता है, निकाय चुनाव तो और भी महत्वपूर्ण है और इस समय जिस तरह का वातावरण बन रहा है वो कांग्रेस के पक्ष में बन रहा है। बंद कमरे में हुई मैराथन मंथन से क्या कुछ निकला ये तो पता नहीं चल सका, मगर कांग्रेस के घर शोर सुनाई दिया तो एहसास होने लगा कि निकाय चुनाव में उतरने से पहले कांग्रेस अपने आप को इतना ताकतवर या कह लीजिए कि इतना खुद को मजबूत कर लेना चाहती है कि वो प्रचंड बहुमत के शिखर पर विराजमान भाजपा को टक्कर दे सके। पूरी है, हम जगह जगह पर जाकर जो है वो लोगों के बीच में इस बात का प्रचार और प्रसार करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने 9 महीने में इस राज्य में क्या किया, किस तरह देश के अंदर जो है वो बेकूफ बनाने का काम देश में भारतीय जनता पार्टी कर रही और यहाँ पे राज्य सरकार कर रही। तो जनता की अपेक्षाओं पे जब आप खरा नहीं उतरेंगे तो लोकल बॉडीज में आप क्या करेंगे। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने यह बैठक बुलाई, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। सबकी सलाह भरोसा, आगे की चुनौती को कैसे मुकाबला करें सुझाव है, महत्वपूर्ण चुनाव है, बड़ा गंभीर चुनाव है। लिहाजा जो खबरें कांग्रेस के घर से आई उन पर यकीन करें तो संगठन कप्तान ने एक बार फिर पारदर्शी चुनाव की बात करते हुए कहा कि सूबे में नगर निकाय के चुनाव बैलेट पेपर से होने चाहिए। ईवीएम मशीनों में छेड़छाड़ की आशंका जताते हुए पीसीसी चीफ प्रीतम सिंह ने बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने की मांग की है। बताया जा रहा है कि ये मांग उस वक्त उठी जब प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह
कांग्रेस के गढ़वाल मंडल पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे, जिस पर उन्होंने पदाधिकारियों को आश्वस्त किया कि वो इस बारे में चुनाव आयोग से मिलेंगे और नगर निकाय चुनाव बैलेट पेपर से करवाने की अपील करेंगे। क्योंकि ईवीएम पर सिर्फ उत्तराखंड में बात नहीं हुई, आज पूरे देश के अंदर ईवीएम को शंका की दृष्टि से देखा जा रहा है, और जब ईवीएम को शंका की दृष्टि से देखा जा रहा है तो जीतने वाले और हारने वाले दोनों ही पक्षों को जो है एक निष्पक्ष चुनाव हो, और उसके लिए अगर हम बैलेट के माध्यम से चुनाव की मांग करते हैं तो चुनाव आयोग को उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। हम चुनाव आयोग से कहेंगे कि उत्तराखंड राज्य के अंदर जो नगर निकायों के चुनाव हो रहे हैं उन चुनाव को बैलेट के माध्यम से किया जाए। वैसे एक बात तो आईने की तरह साफ हो चली है कि संगठन सिपाही हर मोर्चे पर फूंक फूंक कर कदम आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि पंजाधारी अच्छी तरह से जानते हैं कि कांग्रेस के ना सिर्फ बुरे दिन चल रहे हैं बल्कि कांग्रेस जिस दौर से गुजर रही है वो दौर बहुत नाजुक भी है। पता नहीं एक छोटी सी गलती कितनी भारी पड़ जाए। लिहाजा ये कोई पहली मर्तबा भी नहीं है कि कांग्रेस के भीतर से बैलेट पेपर के जरिए चुनाव करवाने की यूं आवाज सुनाई दी हो। इससे पहले भी संगठन कप्तान और संगठन सिपाही कई बार ईवीएम पर दोष मढ़ बीजेपी को भला बुरा कह चुके हैं। खैर ये कांग्रेस के घर की बात है। चुनाव आयोग के पास भी जाएंगे कि हम ये मांग कर रहे हैं कि ईवीएम के माध्यम से चुनाव कराएंगे, हम सभी लोगों का जो लोग साथ देना चाहेंगे हम सबका साथ देकर के चलने का काम। मगर ये बात तो हाथ के हाकिमों को भी माननी होगी कि उनके जिस सियासी आसमान पर बीजेपी के योद्धाओं ने कब्जा किया है उस सियासी आसमान पर दोबारा कब्जा करना इतना आसान भी नहीं होने वाला है। कांग्रेस का जो जहाज साल 2017 की चुनावी समुद्र में बीजेपी और मोदी की प्रचंड लहरों से टकराकर डूब चुका है, उस जहाज को दोबारा खड़ा करना और निकाय चुनाव में कमल को खिलने से रोकना इतना आसान भी नहीं होने वाला। खैर अभी तो कांग्रेस के घर में बैठकों का सिलसिला शुरू हुआ था, अभी एक और बैठक हल्द्वानी में भी होनी है, लिहाजा 7 तारीख को होने वाली बैठक से पहले बयानों का शोर भी सुनाई देता रहेगा और सियासत अपनी रफ्तार से यूं ही आगे बढ़ती रहेगी। कैमरा पर्सन सुमित डबराल के साथ प्रवीण कुमार और हरीश खनेड़ा, जैन टीवी देहरादून। चलिए अब इस पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान किशोर उपाध्याय जी जुड़ चुके हैं, पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष। किशोर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार, हुक्म करें। जी किशोर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। कई सारे सवाल हैं आपसे पूछने हैं, लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे जरा महत्वपूर्ण सवाल अपने दर्शकों के लिए हम टीवी स्क्रीन पर ले आते हैं। सवाल नंबर पहला ये कि चुनाव के मद्देनजर हुई बैठक में आखिर में किन विषयों पर चिंतन मंथन हुआ? सवाल नंबर दो कि क्या अभी से ही कांग्रेस को चुनाव की चिंता सताने लगी है? सवाल नंबर तीन ये कि बैलेट पेपर के जरिए चुनाव की मांग कितनी जायज है, क्योंकि गुजरात के नतीजों के बाद भी क्या बैलेट पेपर और ईवीएम पर बहस होनी चाहिए? अगला सवाल ये कि ईवीएम पर आखिर में कांग्रेसियों का भरोसा क्यों नहीं बन रहा है? और आखिरी सवाल जो है महत्वपूर्ण वो ये कि बीजेपी के बढ़ते बल और कुंबे से क्या कांग्रेस पार्टी के अंदर घबराहट देखने को मिल रही है? इन तमाम चीजों पर बातचीत करते हैं। किशोर जी हमारे साथ बने हुए हैं। किशोर जी पहला सवाल तो ये कि बताइए कि आज आपकी पीसीसी चीफ के साथ बैठक हुई, कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक हुई, नगर निकाय चुनाव को लेकर के बातचीत हुई, किन किन महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर के बातचीत हुई है? ये प्रदेश अध्यक्ष जी को मैं बधाई देना चाहता हूँ। उन्होंने जो हमारे सामने सबसे पहला सवाल है निकाय चुनाव आने वाले हैं, और भारतीय जनता पार्टी फिर एक मैं ये अगर असंसदीय ना हूँ एक बेमानी से जो है निकायों पर कब्जा करना चाहती है। उन्होंने हम नगरों में तो जो
एसेंशियल जो सर्विसेज हैं, सुविधाएं हैं, उनको तो दे नहीं पा रहे हैं। आम गाँव को उसने जो है जोड़ने का काम कर दिया है, जिससे एक नई तरह की स्थिति वहाँ उत्तराखंड में पैदा हो गई है। ग्रामीण क्षेत्र और नगरीय क्षेत्रों के बीचों बीच में टकराव पैदा हो गया है। ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत और जो हमारे मेयर हैं, उनके बीच में टकराव पैदा कर दिया है उन्होंने। तो पहला विषय तो ये है, और दूसरा ये है कि अभी अब निकाय के चुनाव आने वाले हैं, निकायों के जी। उस पर एक जो है विचार विमर्श होना चाहिए कि किस तरह से हमको इन चुनावों को लड़ना चाहिए। ये दो विषयों पर जो है वो उन्होंने आज बैठक बुलाई थी, और उसमें सब लोगों ने एक मत से कहा कि एक तो हम जो ईवीएम जो उसमें आ गई है संदेह में, जैसे उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए और उसमें जहां जहां बैलेट पेपर से चुनाव हुए वहां वहां रिजल्ट दूसरे थे, परिणाम दूसरे रहे, और जहां ईवीएम से चुनाव हुए वहां दूसरे परिणाम रहे। तो हमने भी ये सुझाव दिया कि ये ईवीएम से चुनाव नहीं होने चाहिए, एक संदेह दूर होना चाहिए। और दूसरा, अगर इस पर जो है निर्वाचन अधिकारी ध्यान नहीं देते हैं तो प्रतिपक्ष के साथ मिलकर के, क्योंकि उनका भी उतना ही नुकसान हो रहा है जो बाकी अन्य दल है भाजपा को छोड़ करके, नहीं तो अगर इस पर भी आए कि भाई हमको चुनाव का बहिष्कार करना है तो उत्तराखंड गई भूमि से एक नई धारा जो है स्वस्थ प्रजातंत्र की बहनी चाहिए। अब सवाल यहाँ ये उठ रहा है कि आज की इतनी महत्वपूर्ण बैठक हुई, ईवीएम को लेकर के ज्यादातर समय चर्चा हुई क्या? और दूसरा महत्वपूर्ण सवाल किशोर जी ये उठता है कि ईवीएम को लेकर के आपकी पार्टी के लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी, मतलब इस सवाल को ही खारिज कर दिया गया। दूसरा सवाल ये उठता है कि गुजरात के अंदर जो नतीजे आए आपकी पार्टी में, उसके उसको लेकर के जो उत्साह है उस पर ये सवाल उठ रहा है कि भाई आपकी जीत हुई तो आप कोई बात नहीं कर रहा है, कोई केंद्रीय नेता बात नहीं कर रहा है ईवीएम को लेकर के, लेकिन जब तक नतीजे नहीं आए थे ईवीएम सब लोग कह रहे थे। क्या उत्तराखंड के अंदर अभी से ही अगर हार होती है तो हार का बहाना ढूंढने के लिए क्या ये बैठक हुई थी क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। गुजरात में भी मेरा भी स्पष्ट रूप से मानना है, मैं कह रहा हूँ चलो ईवीएम सही भी है तो कम से कम आयोग को जो लोगों के मन में संदेह पैदा हो गए हैं उनको दूर करने के लिए एक बार जो पत्रों से जो है वो चुनाव करवाने में क्या परेशानी है, उसमें नुकसान क्या है? दूसरी बात यह है कि हम कोई किसी से डरते नहीं है, कांग्रेस का इस देश और प्रदेश के विकास में अभूतपूर्व योगदान रहा है, लेकिन निकाय चुनाव में जिस तरह की स्थिति भारतीय जनता पार्टी पैदा कर रही है, जिस तरह से उन्होंने अभी से ग्रामीण क्षेत्रों को उसमें मिलाना शुरू किया है, उसकी वजह से लोगों के मन में संदेह है। अब इसलिए जो है वो दो तीन ही मुद्दों पर बातचीत हुई। नहीं, सवाल किशोर जी इस बात को लेकर के उठ रहे हैं ना कि हुआ कि हम लोगों को अपने संगठन को मजबूत करना चाहिए, लोगों के बीच में जो हमने काम किए हैं उसको लेकर के जाना चाहिए, इसलिए बैठक बुलाई थी जी। नहीं, एक आगे संगठन वाले विषय पर आता हूँ, लेकिन ईवीएम वाले विषय पर ये सवाल भी उठ रहे हैं। लोग कह रहे हैं भाई ईवीएम को इंट्रोड्यूस करने वाली कांग्रेस, ईवीएम पर पहली बार सवाल उठाने वाली बीजेपी, लालकृष्ण आडवाणी ने उठाया था ये सवाल, लेकिन उसके बाद से ईवीएम की को लेकर के निर्वाचन आयोग की तरफ से जो भी सफाई दी गई सबने मान लिया ईवीएम सही है। अब धीरे धीरे ईवीएम का प्रयोग ज़्यादा बढ़ रहा है, लेकिन अब जिस तरीके से स्थिति देखने को मिल रही है लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ बहाना ढूंढ रही है, जब वहां पे उसकी हार हो तो ईवीएम है और जीत हो तो राहुल गांधी है। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के चुनावों ने और गुजरात के चुनाव में भी अगर आप देखेंगे कि सूरत जैसी शहरों में जहाँ लाखों लाखों लोग भाजपा और नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ सड़कों पर उतरे, वहां पर भी जिस तरह के परिणाम आए हैं उससे लोगों के मन में एक संदेह तो पैदा हुआ ही है। और उसमें नुकसान क्या है? मान लीजिए हमारा ईवीएम पर विश्वास नहीं है तो आपको मतपत्रों से चुनाव करवाने में क्या परेशानी है? ये जवाब तो जो सरकार को आपको देना है। नहीं, आप एक बात, एक सेकंड किशोर जी एक मेरा सवाल है, कल को कोई कह दे कि मुझे बैलेट पेपर पे भरोसा नहीं है, मान लीजिए कि अगर यहाँ पर चलिए दो बड़ी पार्टियां हैं, कल को तीन बड़ी पार्टियां, कई कई राज्यों में चार चार बड़ी पार्टियां हैं, एक कहे ईवीएम चाहिए, एक कहे बैलेट चाहिए, एक कहे कोई और सिस्टम लेकर के आओ, तो ये एक एक पार्टी अगर बयान
जारी करेगी उसके आधार पे क्या चुनाव आयोग फैसला लेगा क्या, ये एक बड़ा सवाल है कि कल को मान लीजिए बीजेपी कहती है हमें बैलेट पे भरोसा नहीं है, बैलेट लूट लिए जाते हैं, मतपेटियां लूटते हुए हमने देखी है। ईवीएम का भी जब मतपत्रों का भी मसला था तो उस समय भी तो जो है समस्या ये पैदा हो जाती थी कि बूथ कैप्चर हो जाते थे, इसलिए जो है ईवीएम का जो है वो तरीका ढूंढा गया। अब ईवीएम कैप्चर हो रही है, अब मतपत्रों पर तो आप अब नहीं कर सकते ना उस तरह से, आज संसाधन कम्युनिकेशन के इतने जबरदस्त हो गए हैं कि कहीं पर भी कोई घटना होती है तो आप तुरंत जो है उनका संज्ञान ले सकते हैं। मेरे विचार से कि मतपत्रों में और ईवीएम में बड़ा अंतर है, आप फोन को हैक कर सकते हैं, आप मशीनों को हैक कर सकते हैं, आप यहाँ से मंगलयान भेज सकते हैं, तो मशीन कौन सी बड़ी बात है जो है ईवीएम को हैक करना। चले खैर, अब इस पर अब हम लोग लंबी चर्चा आज नहीं करेंगे ईवीएम के विषय पर लेकर के, आगे आने वाले दिनों में बहुत बार चर्चाएं होंगी इसकी। अब अगला पहलू ये आता है कि 2017 में जो उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव हुए उसके बाद एक तरीके से पार्टी के अंदर एक तरीके से हताशा का माहौल था, जिस तरीके से चुनाव से पहले बड़ी संख्या में लोग बाहर गए, अब यहाँ से कैसे नई ऊर्जा का संचार किया जाए, कैसे संगठन स्तर पर और बूथ स्तर पर, क्योंकि बीजेपी की तरफ से लगातार बूथ स्तर को लेकर के बैठक पे बैठकें हो रही हैं, क्योंकि कई बार हमने गुजरात चुनाव में देखा 1.8% यानी करीब 2% वोट जो है वो नोटा को चले गए, यानी कि वो वोटर कांग्रेस के हो सकते थे लेकिन संगठन रूप से आप इतने मजबूत नहीं थे कि आप उन्हें वहां तक पहुंचा सके या उन्हें कन्विंस कर सके, वोट परसेंटेज में गिरावट आई, तो लोग जो नाराज थे अगर सरकार से उन्होंने वोट नहीं किया, करीब 4-5% वोट कम हुआ है, तो ये इस स्तर पे आप कैसे काम करेंगे, ये कांग्रेस के लिए मुझे अभी बड़ी चुनौती दिखाई देती है, इसको कैसे दूर करेंगे। देखिए 2017 विधानसभा के चुनाव हम कोई भारतीय जनता पार्टी से नहीं हारे, हम अगर हारे तो हम खुद ही उसके लिए दोषी हैं, हमारे जो 10 विधायक छोड़ करके गए जी, ये कोई भारतीय जनता पार्टी की जीत थोड़ी है, अनैतिक संसाधनों की जीत है ये उत्तराखंड में, और हम अपने को जो है उस तरह से इतनी बड़ी चुनौती का आकलन नहीं कर पाए, उसके लिए तब से हमारे मुख्यमंत्री जी हो और तब से अध्यक्ष के रूप में मैं ये मानता हूँ कि हम दोनों उसके लिए दोषी है, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी ताकत के खिलाफ हमने अपनी सरकार बचाई, पूरे उत्तराखंड की जनता सड़क पर आ गई और हम उसका आशीर्वाद नहीं ले पाए, तो कहीं ना कहीं हमने कमी रही है। आप अगर परिणाम देखेंगे तो कोई कांग्रेस का वोट बैंक 0.2% कम हुआ है वहां, कांग्रेस का अपना बेस है जो शिफ्ट हुआ, अगर ईवीएम का चमत्कार नहीं है तो जो अन्य दल है उनका वोट बैंक टूट है, कांग्रेस अपनी जगह पर खड़ी है और उसमें जो फ्लोटिंग वोट है अगर हम उसको अपनी तरफ कर ले तो मेरे ख्याल से कोई बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए उत्तराखंड में नहीं है भारतीय जनता पार्टी को माकूल जवाब देने के लिए। ठीक, हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं किशोर जी, हमारे साथ ज्योति प्रसाद गहरोला जी जुड़ चुके हैं। गहरोला साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। नमस्कार गहरोला साहब, आज कांग्रेस की तरफ से बैठक हुई है कांग्रेस की निकाय चुनाव को लेकर के रणनीति तैयार करने के लिए, उसमें दो महत्वपूर्ण बातें, एक तो ये ईवीएम को लेकर सवाल उठाए गए और कहा गया कि वो राज्य निर्वाचन आयोग से मिलेंगे और जो है इस बात के लिए अपील करेंगे कि बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाएं, क्योंकि यूपी में जहां पर ईवीएम से वोट पड़े वहां बीजेपी जीत रही थी और जहां बैलेट से वोट पड़े वहां बीजेपी को वोट नहीं मिले हैं, आपकी पहली टिप्पणी इस पर। मुझे लगता है कि प्रथम दृष्टया कांग्रेस ने निकाय चुनाव को लेकर अपनी हार स्वीकार कर ली है और वास्तव में कांग्रेस का मन और दल भी और कार्यकर्ता भी बहुत बिखरे हुए हैं और जो प्रदेश में गुजरात हिमाचल धीरे धीरे राज्य से निकलते जा रहे हैं, कांग्रेस का विश्वास पूरी तरह से, इनकी नाव पूरी तरह से डगमगा गई है, कवर में फंस गई है, डूबने को तैयार बैठी है, तो प्रथम दृष्टया इन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली है, इसलिए उस हार से जनता के बीच में भ्रमित करने के लिए तरह तरह के मुद्दे इस तरह के उठा रहे हैं और मुझे लगता है कि जितना ही इस बारे में कहेंगे जी उतना ही जनता के बीच में उपहास का पात्र बनेंगे। ठीक,
क्योंकि ईवीएम हिमाचल में भी प्रयोग हुआ, कुछ सीटें कांग्रेस को मिली, बहुमत भाजपा को मिला, ऐसे ही मिला भी हुआ जी, कुछ सीटें कांग्रेस को मिली, कुछ निर्दलीयों को मिली, बहुमत भाजपा को मिला, तो कहीं का ईवीएम ठीक था, कहीं का कुछ, कहीं का ठीक नहीं था। ठीक किसो, किसो? लगता है कि मशीन तो ठीक है लेकिन दिमाग ठीक है कि नहीं है ये देखना पड़ेगा। किशोर जी, कांग्रेस अपने आप को एक उपहास का जो बनाती जा रही है जनता के बीच में, मुझे चिंता इस बात की है कि लोकतंत्र में अगर राजनीतिक दल इस तरह से उपहास के पात्र बनेंगे तो भाई आगे क्या होगा। चलिए किशोर जी, उपहास का कारण आप लोग का बहाना आप लोग बना रहे हो, ऐसा लग रहा है कि आप लोग हार का बहाना ढूंढ चुके हैं पहले से ही। मैं बहुत ही विनम्रता पूर्वक, क्योंकि केरल जी हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बड़े विद्वान व्यक्ति हैं जी, और मैं आपके माध्यम से मैं उनसे इल्तिजा करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ जी। पहला मेरा निवेदन ये है जी कि वो ये बताएं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उत्तराखंड में ग्रामीण क्षेत्रों को निकायों में मिलाने की क्या आवश्यकता पड़ी, पहली बात ये। दूसरी बात, जो ईवीएम के बारे में कह रहे हैं, ऐसा उनका क्या विशेष इतने है ईवीएम से कि साहब ईवीएम से चुनाव होने चाहिए? ठीक, अगर ईवीएम कोई इतनी अच्छी होती तो पूरा विश्व आज उसका उपयोग कर रहा होता। लेकिन जो बाकी देश है जी, जहाँ ये उपयोग हो भी रही थी उन्होंने उसको नकार लिया, क्योंकि उसमें हैक करने की संभावना है। तो आप आ जाओ ना एक बार 2019 के और जो आने वाले विधानसभा के चुनाव हैं, वो सारे के सारे चुनाव एक बार बैलेट पेपर से करवा लो। किशोर जी, मैं ये सवाल पूछता हूँ लेकिन उससे पहले एक छोटा सा जवाब दे दीजिए। ये ईवीएम को लेकर के जो आप कह रहे हैं, तो ये कि विश्व भर में विश्वसनीयता नहीं है, इसको इंट्रोड्यूस क्यों किया था कांग्रेस पार्टी ने अगर इतनी अविश्वसनीय थी? देखिए, कोई भी नई विधा अगर आती है, अगर इंटरनेट आया आपका, इंटरनेट से जहाँ फायदे हुए हैं, अब आप देखिए वीडियो गेम खेल करके लोग जो है उससे आत्महत्या भी कर रहे हैं। तो अगर कोई चीज विधा एक विष बन जाए, आज किस तरह की चीजें इंटरनेट में आप देख सकते हैं और क्या क्या फिल्म आ रही है, तो इसमें से नई चीजें जो है वो इस माध्यम से आ जाती हैं और उसको रोकना जरूरी है। अब ईवीएम, अब चुनाव जो है वो वोट के माध्यम से नहीं जीते जा रहे हैं, ईवीएम के माध्यम से जीते जा रहे हैं, उसको रोकना जरूरी है। और उत्तराखंड कांग्रेस ने शुरुआत की है, मैं बधाई देना चाहता हूँ। चलिए इसका जवाब ले लेते हैं, जिसका जी गरला साहब से जवाब ले लेते हैं। गरव साहब, दो सवाल महत्वपूर्ण पूछे गए हैं किशोर जी की तरफ से। एक तो ये कि ऐसी क्या वजह है कि ग्रामीण क्षेत्रों को जबरदस्ती लोगों की मर्जी के खिलाफ शहरी क्षेत्रों में मिलाने के लिए बीजेपी उतावली हो रही है। दूसरा, ईवीएम को लेकर के ही चुनाव होगा, ईवीएम से ही मतदान होगा, इसमें ऐसी क्या बात है? अगर बैलेट से हो जाए आर पार और पता लग जाएगा स्थिति कौन कितना मजबूत है, वो ये कह रहे हैं, तो आप लोग इतना घबरा क्यों रहे हैं कि ईवीएम से ही होना चाहिए? गहरोला साहब, अंदर घबराहट है तो उनको इस बात से घबराहट क्यों हो रही है कि ग्रामीण क्षेत्रों को मिला दिया गया तो क्या होगा? जी पूछिए इनसे जी। अगर नगरीय क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्र मिल रहे हैं जी, तो इनमें घबराहट क्यों पैदा हो रही है? क्यों सड़कों पर उतरना है? जो थोड़ा बहुत ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की शिकायत भी थी उसमें थोड़ा बहुत आशंकित भी थे, अब वो आशंकाएं भी दूर हो गई है। अब ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो है उसका मन बना चुके हैं, मन खराब और मन जो है वो किसका खराब लग रहा है? कांग्रेस का। ठीक, दिक्कत काहे की है जी? चलिए अब हम लोग किससे डर रहे हैं? हम लोग ईवीएम से भी डर रहे हैं मेरे मित्र, ग्रामीण क्षेत्रों को बिगाड़ने से भी डर रहे हैं, इनको धीरे धीरे हिंदुस्तान की सारी जनता से डर लगने लगा है, डर लगने लगा है, सरकार सत्ता इनके पैरों के नीचे से निकल रही है, अब इस डर का कोई इलाज नहीं है। चलिए अब बिल्कुल बिल्कुल आखिरी हिस्से में है, एक एक सवाल
एक तो किशोर जी, अगर आप इस बात का उत्तर देना चाहे कि आप दो तरफा चल रहे हैं कि ईवीएम से होगा तो हारेंगे, ग्रामीण से होगा, अगर ऐसी बात है भाई, आप पहले ही कह दीजिए कि हम इस चुनाव का बहिष्कार करते हैं, हम इस पे हिस्सा नहीं लेंगे, हमें ईवीएम पे भरोसा नहीं, नहीं, नहीं है। मैंने तो आज सुझाव दिया है जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष को विपक्ष के जितने दल हैं उनसे बातचीत करके अगर निर्वाचन अधिकारी जो इसके मुखिया हैं चुनाव करवाने के अगर नहीं मानते हैं, और मेरे ख्याल से यही केंद्र में भी और लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में भी होना चाहिए, तो सारे विपक्षी दलों को बहिष्कार करना चाहिए अगर मतपत्र से चुनाव नहीं होता। ठीक, तो हम किशोर जी, ये बयान आपका हम लोग ऑन रिकॉर्ड रख रहे हैं इस बात को कि आप ये कह रहे हैं कि अगर राज्य निर्वाचन आयोग ईवीएम पे चुनाव कराने का ही पे अड़ा रहता है तो कांग्रेस पार्टी निकाय चुनाव का बहिष्कार करेगी। नहीं, कांग्रेस पार्टी भी पूरे विपक्षी दलों से बातचीत करके आम राय बना करके चुनाव का फिर बहिष्कार। सबसे बड़ी पार्टी आप हैं सर, पहले आप तो कहिए कि हाँ हम करेंगे, आम राय तो पता नहीं बनेगी कि नहीं बनेगी। नहीं, मैं अध्यक्ष नहीं हूँ ना, आज जो हमारे माननीय अध्यक्ष हैं वो बात करेंगे, ठीक, पूरे विपक्षी दलों से बात करेंगे, और अगर आम राय बनती है, क्योंकि चुनाव सबके हैं, और अगर ईवीएम वाली बात नहीं मानी जाती है तो फिर लड़े भाई, भाजपा अपने आप ही चुनाव लड़े, सारे चुनाव फिर चुनाव। बिल्कुल बिल्कुल, और अगर आपके 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 पार्टी अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष आपकी बात को अनसुना करते हैं और तमाम विपक्षी दल भी इस बात को अनसुना करते हैं, फिर किशोर उपाध्याय क्या करेंगे? मैं क्या करूंगा, मैंने एक सुझाव दिया है, और अगर उस सुझाव को स्वीकार किया जाता है तो मेरे ख्याल से प्रतिपक्ष का ही भला होगा। चलिए, लास्ट कमेंट गहलोत साहब आपका, किशोर जी कह रहे हैं हमने सलाह दे दी है कि एक आम राय बनाई जाए कि अगर बैलेट से चुनाव नहीं होगा तो फिर हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे, तमाम विपक्षी दल एक आम राय बनाए, बीजेपी क्या करेगी फिर? क्या इस आम राय में कांग्रेस के अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी, नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय जी, हरीश रावत जी इससे सहमत है, और ये ईवीएम का बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं, चुनाव का बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस पार्टी अपने इस नेता का ही बहिष्कार कर दे जो लगभग थोड़ा बहुत चलिए खैर ये तो करता ही है। चलिए, अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन निश्चित रूप से नजरें सबकी लगी हुई है, अभी 7 तारीख को फिर बैठक होनी है, आपको बता दें हल्द्वानी के अंदर बैठक होगी। बहुत बहुत शुक्रिया किशोर जी और गहलोत साहब, आपका भी आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपने अपनी पार्टी का पक्ष रखने के लिए, कांग्रेस पार्टी की तरफ से हर तरफ से एक तरीके से कहा जाए तो तैयारी की जा रही है, अरे बहाने की भी की जा रही है, तैयारी पार्टी को मजबूत करने पर भी की जा रही है, लेकिन वाकई में उसका असर क्या होगा वो तो आने वाले दिनों में पता लगेगा। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौट रहे हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे आज के दूसरे मुद्दे की, रुद्रपुर मेयर पर मारामारी, पशुपेश में पंजा। चलिए, हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है, रुद्रपुर मेयर पर मारामारी, पशुपेश में पंजा। अब जो विषय हम उठाने जा रहे हैं वो रुद्रपुर के रण से जुड़ा हुआ है। कांग्रेस में दावेदार तो कई हैं मगर जो खुलकर बोल रहे हैं उनकी संख्या बहुत कम है, मगर अंदर खाने क्या खिचड़ी पक रही है उसकी महक को भी समझना होगा। रुद्रपुर मेयर के लिए अभी से ही लॉबिंग तेज हो चली है, कांग्रेस के घर का हर दावेदार अपनी दावेदारी जता रहा है, बस टिकट पाने की चाहत पाले हुए है। अब सवाल ये कि आखिर जनता क्या सोचती है, यही सबसे अहम बात है। आपको कैसा मेयर चाहिए, आपकी पसंद क्या है, कांग्रेस के घर में क्या कुछ चल रहा है। अब बात रुद्रपुर में मेयर पर मारामारी और पशुपेश में पंजे की।
मेयर को लेकर के जनता क्या सोचती है, मौजूदा मेयर का रिपोर्ट कार्ड कैसा है और भविष्य में कैसा मेयर होना चाहिए जो सीधे जनता का ख्याल रख सके, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो कि जनता से जुड़े हुए हैं। आज जैन टीवी सीधे जनता के बीच भी पहुंचा और जनता से पूछा तो उनकी राय भी सामने आई, वो भी दिखाएंगे आपको और सुनाएंगे। मगर पहले कांग्रेस के घर में दावेदारों के मन को टटोलती इस रिपोर्ट को देखिए जो हमारे सहयोगी ने सीधे ग्राउंड जीरो पर उतरकर तैयार की है। कौन कौन से कांग्रेस के दावेदार हैं जो इस पोस्ट के लिए दावेदारी जता रहे हैं, ये जरा आप इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। उत्तराखंड में कुछ दिन बाद निकाय चुनाव होना है जिसको लेकर रुद्रपुर की राजनीति पूरी तरीके से गर्मा रखी है। अब देखना ये होगा जिस तरीके से कई कांग्रेस नेताओं ने मेयर पद के लिए रुद्रपुर सीट पर दावेदारी ठोक रखी है, टिकट किसको मिलता है। अप्रैल 2018 में होने वाले निकाय चुनाव के लिए जहां कांग्रेस अब मैराथन मंथन में लगी है, तो वहीं कांग्रेस के भीतर भी दावेदारों को लेकर हलचलें तेज होती हुई दिखाई दे रही है। कुमाऊं में मेयर की हॉट सीट माने जाने वाली रुद्रपुर नगर निगम की मेयर सीट पर कांग्रेस से तमाम दावेदार अब सामने आने लगे हैं। कांग्रेस की तरफ से रुद्रपुर में मेयर सीट की दावेदारी की दौड़ में कई नामचीन हस्तियां शामिल हो रही हैं। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि हाल फिलहाल कांग्रेस में दावेदारों का आंकड़ा भाजपा की तुलना में थोड़ा कम जरूर है। अगर बात जगदीश तनेजा की जाए तो जगदीश तनेजा मेयर पद की दावेदारी अभी से न सिर्फ जता रहे हैं बल्कि ये भी दावा ठोक रहे हैं कि अगर उन्हें मेयर पद के लिए टिकट मिलता है तो इस सीट पर पंजे को मजबूत करके वो दिखाएंगे। जगदीश तनेजा की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वो कांग्रेस संगठन से कई सालों से जुड़े रहे हैं। 2007 में अपने वार्ड से सभासद चुने गए। 2007 की बात करें तो 2007 से 2012 तक नगर पालिका में वित्तीय कमेटी के सदस्य भी रहे। 2007 में कांग्रेस की सदस्यता ली और 2010 में नगर कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष बने। 2016 की बात करें तो 2016 में कांग्रेस महानगर कमेटी के अध्यक्ष रूप में जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। देखिए, मैं जब से कांग्रेस में आया हूँ हमेशा कांग्रेस पार्टी के नीतियों पे विचारों पे हमेशा कांग्रेस पार्टी के साथ रहा हूँ और कांग्रेस पार्टी में रह के एक आम कार्यकर्ता से आया था। एक आम कार्यकर्ता रह के नीचे से मैंने वार्ड अध्यक्ष से शुरू करी पार्टी की सेवा करने, उसके मैं सभासद रहा, उसमें वित्तीय कमेटी का अध्यक्ष बना, नगर पालिका में बैठ के मैंने पूरे 5 साल लोगों की सेवा करी, टैक्स के रूप में सारा काम देखा, पूरी बस्तियों का और सब लोगों का ध्यान रखा, कांग्रेस के साथ जोड़ने का काम किया, उसको मैं पार्टी में उपाध्यक्ष रहा, तो पूरी सेवा करता रहा। अब मैं पार्टी का नगर अध्यक्ष महानगर अध्यक्ष हूँ, पूरी निष्ठा और पूरी लगन से मैं पार्टी के समर्पित हूँ। दावेदारों की इस लिस्ट में अगला नाम आता है मीना शर्मा का। मीना की सबसे बड़ी ताकत यही मानी जा रही है कि वो 20 सालों से पार्टी की सेवा कर रही हैं और उन्होंने कई मोर्चों पर पार्टी को मजबूत भी करने का काम किया है। 2008 से 2013 तक नगर पालिका में अध्यक्ष के पद पर मीना ने काम किया, जबकि 2013 में महिला कांग्रेस कमेटी में महामंत्री का दायित्व संभाला। वर्तमान में प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी में वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं। देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अभी सीट रिजर्वेशन से लेके बहुत सारे प्रोसेस बाकी है, फिर भी अगर पार्टी ने हम पर भरोसा जताया तो हम बहुत निष्ठा के साथ काम करेंगे और पिछले 5 वर्ष से पहले जो 5 साल हमारा कार्यकाल रहा उसमें जनता ने और हमारी पार्टी ने हमारी कर्मठता, हमारी ईमानदारी और हमारा काम देखा है और उसी काम के आधार पर हमें आगे भी जनता और हमारी पार्टी हमको सहयोग करेगी। मेयर पद के लिए दावेदारों की लिस्ट में अगला नाम सुशील गाबा का है। सुशील भी मेयर पद के लिए आला कमान से टिकट के लिए आस लगाए हुए हैं। सुशील रुद्रपुर डिग्री कॉलेज में छात्र संघ के उपाध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी संभाल चुके हैं, जबकि 2006 में छात्र महासंघ के उप सचिव भी रहे हैं। देखिए, 18 वर्षों से हम लगातार छात्र राजनीति से लेकर कांग्रेस की राजनीति और उसके बाद बहुत बड़े आंदोलन हमने छात्र राजनीति के श्रमिकों के हक में, किसानों के हक में, व्यापारियों के हक में करे हैं। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं रहा जहां पर यदि कोई न्याय हो रहा हो तो हमने झंडा ना उठाया हो। दूसरी बात,
संघर्ष के साथ साथ सेवा के रूप में हम ब्लड डोनेशन में बहुत बड़ा काम करते हैं, और रामलीला हो, गुरुपुरब हो या बारहवाद हो, हर एक धार्मिक कार्यक्रम में हम बहुत ज्यादा प्रतिभाग करते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि भाजपा से तुलना की जाए तो हाल फिलहाल रुद्रपुर में कांग्रेस के घर में कम ही नेता मेयर पद की दावेदारी जता रहे हैं। मगर आपको यह भी बता दें कि कांग्रेस के घर में ऐसे कई तमाम दावेदार भी हैं जो कैमरे के सामने आकर दावेदारी नहीं जता रहे। मगर हाँ, ऑफ द रिकॉर्ड उनका कहना है कि अगर आला कमान उन्हें टिकट का प्रसाद देता है तो वो इस सीट को जीतकर हाई कमान को खुश जरूर कर सकते हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में कांग्रेस रुद्रपुर के रण में मेयर सीट के लिए किस लड़ाके को मैदान में उतारती है। शाहिद खान, जैन टीवी, रुद्रपुर। चलिए, इस पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए अब तमाम सारे दावेदार आप लोगों के सामने हम लाएंगे, और सबसे पहले हमारे साथ जुड़ चुके हैं जगदीश तनेजा जी। जगदीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। कई सारे सवाल करने हैं आपसे, लेकिन उससे पहले जरा बड़े सवाल जो है अपने दर्शकों के लिए टीवी स्क्रीन पर ले आते हैं। पहला सवाल यही कि टिकट के लिए अब कांग्रेस में क्या कसरत तेज हो चुकी है रुद्रपुर के अंदर। सवाल नंबर दो कि एक अनार और 100 बीमार वाली हालत से आखिर में कांग्रेस कैसे पार पाएगी। तीसरा सवाल वही कि किसी एक नाम पर सहमति बनाना क्या आसान होगा कांग्रेस पार्टी के लिए। और आखिरी सवाल कि कांग्रेस में कहीं इस विषय को लेकर के सिर्फ फुटबॉल की स्थिति तो नहीं बन जाएगी। इन तमाम चीजों में बातचीत करते हैं। पहले हमारे साथ पहले मेहमान जगदीश तनेजा जी जुड़ चुके हैं। अपने दर्शकों को हम बता दें कि जगदीश तनेजा जी 2007 में वार्ड में सभासद चुने गए, 2007 से लेकर के 2012 तक नगरपालिका में वित्तीय कमेटी के सदस्य भी रह चुके हैं। इसके अलावा आपको बता दें 2010 में नगर कांग्रेस कमेटी के वो उपाध्यक्ष बने हैं, और 2016 में कांग्रेस महानगर कमेटी के अध्यक्ष भी रहे हैं। जगदीश जी, तमाम जो थोड़ी बहुत बातें थी वो हमने आपके बारे में बता दिया हमारे दर्शकों को। आप ये बताइए कि जो तमाम दावेदार हैं जिसमें कि निश्चित रूप से आपका नाम है, प्रबल रूप से है, उसमें क्या वजह है कि चूंकि एक ही टिकट है वो आपको मिलना चाहिए, क्या कुछ खास बातें हैं आपकी? देखिए, संगठन में कोई भी अपना अधिकार टिकट मांग सकता है। बिल्कुल, सबका अधिकार है अपना दावेदारी रखने का। अब वो संगठन तय करेगा, हमारे हाईकमान तय करेगा किसको टिकट दिया जाए, कौन पार्टी की सेवा अच्छी तरीके से कर सकता है जी। जिनको सहयोग और अच्छा वो लगेगा कैंडिडेट, उसको टिकट दिया जाएगा, वो पार्टी उसे पूरे तन मन धन से पूरी संगठन एक होकर उसको चुनाव लड़ाएगा। रही विकास की बात, पिछले बोर्ड में मैं रहा, उस कार्यकाल में हमने लोगों ने रुद्रपुर को आगे ले जाने का काम किया। गरीब बस्ती, मरीन बस्तियों में टैक्स हर चीज की सुविधा को आरामदायक बनाने की कोशिश करी, लोगों तक अपनी पहुंच बनाने का काम किया, गरीब लोगों के घर तक पहुंचे, और हर चीज की सुविधा हमारे बोर्ड ने पूरी अच्छे तरीके से काम किया था और दिया गया। अभी हम आगे चाह रहे हैं कि हमारे कांग्रेस का जो भी मेयर बने टिकट मिलेगी। नहीं नहीं, मेरा ईमानदारी और निष्ठा के साथ काम करेगा जगदीश जी, जगदीश जी को और रुद्रपुर को आगे जाने का जगदीश जी करेगा, आपकी और पूरे उत्तराखंड में एक रुद्रपुर नगर निगम का सर उच्च स्तर पर ले जाने का काम करेगा, जिससे लोगों को लगे कि जगदीश जी मेरा सवाल सेवा करने का काम करते हैं ना कि। जगदीश जी मेरा सवाल अभी कांग्रेस पार्टी को लेकर के नहीं था, ये जो आप बोल रहे हैं वो तमाम रुद्रपुर की जनता भी सुन रही है, आपकी पार्टी के सीनियर लोग भी सुन रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि दावेदार कई सारे हैं, आपके अंदर ऐसी क्या खूबी है कि बाकी दावेदारों पर आपको वरीयता दी जाए? सवाल आपके आपको लेकर के है मेरा। देखिए वरीयता, मैं इतने टाइम से पार्टी में काम कर रहा हूँ जी, कांग्रेस की सेवा कर रहा हूँ, लोगों के बीच में रह रहा हूँ, लोगों को काम करता हूँ, कोशिश कर लोगों को मुझे टिकट अगर पार्टी देती है तो मैं लोगों के बीच में कांग्रेस की नीति और लोगों का काम करने का अच्छी तरीके से काम कर सकूं, जिससे लोगों को कांग्रेस की आस्था बढ़े जी और लोगों को एक अच्छा व्यक्तित्व तो मिले। अब अगला सवाल ये आता है कि रुद्रपुर के अंदर कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से साफ है, विधानसभा चुनाव में साफ है, मेयर की सीट पर साफ रही। अब ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी, क्या वजह है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर
हम ये मान के चले कि कांग्रेस पार्टी चुनौती देने की स्थिति में है रुद्रपुर के अंदर? देखिए, हमारे कांग्रेस पार्टी के नीति विचार सारे एक है, जो कहती है वो करती है। हमारे लोगों का वो काम नहीं है कि हम चुनाव में घोषणा कुछ करें और उस पर अमल ना करें। आज आप देखें, व्यापारी परेशान है, गरीब वर्ग परेशान है, हर व्यक्ति परेशान है इनकी झूठी घोषणाओं से। डबल इंजन की सरकार की बात करते थे, डबल इंजन कहाँ दिख रहा है? लोग बहुत परेशान है और इनके देख रहे हैं। नगर निगम को यहाँ पे भाजपा की है, नगर निगम ने कितना काम किया सब लोगों के सामने रुद्रपुर में, कि निगम में बैठ के इन लोगों ने कितना विकास कार्य किया है, कुछ विकास नहीं हुआ। लोगों का कूड़े पड़े हुए हैं, नालियां बंद हैं, बहुत परेशान है लोग। आने वाली टाइम में बताएंगे इनको भाजपा को भी कि निगम में कौन लोग आने चाहिए और किसको बैठना चाहिए, ये अच्छी तरह जनता जानेगी और बताएगी आने वाले चुनाव में। मुद्दे क्या महत्वपूर्ण रहेंगे इस बार के रुद्रपुर के अंदर मेयर चुनाव के अंदर, क्या लगता है आपको, क्या कौन से वो मुद्दे रहेंगे जिसको लेकर के आप लोग आगे बढ़ेंगे? देखिए, विकास कार्यों पर ये आए थे, इन्होंने कहा था कि हम विकास कार्य कराएंगे, मरीन बस्तियों में घर घर तक कूड़ा कलेक्शन कराएंगे, साफ सफाई रखेंगे। मेन लोगों को दिक्कत होती है, नगर पालिका अपेक्षा होती है वो टैक्स देते हैं, टैक्स के रूप में वो चाहते हैं कि उससे हमें हर चीज सुविधा मिले जिससे नगर पालिका से हम लोग संतुष्ट रह सकें। छोटी छोटी समस्याएं होती हैं, नाली है उनमें नालियों साफ नहीं हो पा रही, आज के डेट में कूड़ा नहीं उठ पा रहा, सड़कों पर कूड़ा घूम रहा है। हमारा बोर्ड था, हमने बोर्ड में हमने संडे को, जबकि कभी भी सफाई नहीं होती थी, हमने संडे को भी सफाई का एक कर्मचारियों को देख के संडे भी सफाई शुरू कराई थी। इन लोगों में कुछ नहीं, बस चुनाव जीतने के बाद सिर्फ भ्रष्टाचार का उसको अड्डा बनाया और अपनी जेबों भरने का काम किया। जनता से उनका कोई लेना देना नहीं होता, जनता आज विकास और हर चीज को देख रही है, पुराना पीछा कार्यकाल देख रही है कि इन लोगों ने कांग्रेस के रहते इतना विकास हुआ था और इस 5 साल में उन्होंने उत्तरपुर को बहुत पीछे ले जाने का काम किया। अब दोबारा से कांग्रेस को मौका देगी जनता, तो हम दोबारा से वो पिछले 5 सालों को आगे वो तेजी से आगे ले जाने का काम करेंगे। चलिए, एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे और यहाँ पर मेरा है कि जिस तरीके से कांग्रेस के अंदर भी तमाम सारे दावेदार हैं, आपके अलावा भी बहुत सारे नाम हमारे पास मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन सवाल ये उठता है क्या कांग्रेस पार्टी में आसान होगा किसी एक नाम पर सहमति बनाना? और कहीं ऐसा तो नहीं कि पार्टी के अंदर कुछ लोग इस बात से नाराज हो जाएंगे और छिटक करके निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या दूसरी पार्टी में चले जाएंगे? देखिए, संगठन में हर आदमी का अधिकार है, जो व्यक्ति काम करता है संगठन में, टिकट मांगने का जी, ये काम तय करना होता है ऊपर हाईकमान को, एक व्यक्ति टिकट मिलनी है, बाकी लोग सब लोग संगठित होकर उस व्यक्ति को चुनाव लड़ाएंगे और कांग्रेस पार्टी ही चुनाव लड़ेगी, व्यक्ति नहीं चुनाव लड़ता, कांग्रेस के सिंबल पे चुनाव लड़ा जाएगा, जिसे भी टिकट मिलेगी सारे लोग एकजुट होकर उससे चुनाव लड़ाएंगे। हमारे यहाँ कोई लड़ाई टिकट की नहीं है, टिकट मांगने का अधिकार सबका है, टिकट सब मांग सकते हैं, टिकट जिस व्यक्ति को मिलेगी कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़ाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, और ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि आपके यहाँ पार्टी में आसानी से हो जाएगा मामला या नहीं, क्योंकि कई सारी खबरें हमारे पास भी आ रही है, ग्राउंड जीरो से हम भी लगातार तमाम सारे सर्वेस कर रहे हैं और इन तमाम चीज़ों को लेकर के हम लोगों तक भी बात पहुँचा रहे हैं, लेकिन जनता क्या कुछ कह रही है वो जरा, उनके भी बयान सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, जनता क्या सोच रही है वो जरा अपने दर्शकों को सुनाते हैं। हमारे मेयर जो स्विमिंग यहाँ पर अच्छा होना चाहिए, जैसे स्विमिंग यहाँ पे जो है मोहल्लों में आके देखे, अभी 5 साल हुआ, 5 साल से अभी तक हमने अपने मेयर को देखा ही नहीं है, बस नाम सुना है, हाँ सोनी कोहली है, लेकिन अभी तक ना तो मोहल्ले में कभी देखा है किसी वार्ड में, ना तो घूमते हुए देखा है, ना कहीं आते जाते देखा है, गलियाँ सब गंदी रहती हैं, नाली गंदी रहती हैं। मेयर हमारा जो है, मेयर हमारा कम से कम इतना होना चाहिए कि मोहल्ले में हमारे परेशानियों को, लोगों के क्षेत्र में जितने भी लोग हैं उनकी परेशानियों को देखे समझे और उनके सुझाव को देखे। अब हमें पिछले 5 वर्षों में यही नहीं पता चला है कि मेयर हमारे यहाँ का है कौन, बस ना नाम सुना है कि हमने सोनी कोहली जी हैं वो मेयर हैं, लेकिन आज तक 5 सालों में कोई विकास नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, नालियाँ तक साफ नहीं हुई हैं। हमें यही नहीं पता है कि ऑफिस में जाते हैं वहाँ पे तो हम मिलती नहीं है हमें ऑफिस में, तो अब क्या ऐसे मेयर का क्या फ़ायदा? यही नहीं पता है रुद्रपुर में कि नगर पालिका थी रुद्रपुर पहले, अब नगर निगम हो चुकी है, लोगों को यही नहीं पता चला कि 5 सालों में। जनता कह रही है कि मेयर को आज तक देखा नहीं है, ना कभी आते ना जाते, लोगों को परेशानियां हैं, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो जनता महसूस कर रही है। लेकिन इन सब के बीच में हमारे साथ हमारी अगली मेहमान मीना शर्मा जी जुड़ चुकी हैं। मीना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। अपने दर्शकों को हम बता दें, मीना जी भी एक बड़ी प्रबल दावेदार के रूप में
कांग्रेस की तरफ से सामने आ रही हैं। 20 सालों से कांग्रेस में सक्रिय हैं। 2008 से लेकर के 2013 तक नगर पालिका में अध्यक्ष पद के रूप में वो कामकाज करती रहीं। 2013 में महिला कांग्रेस कमेटी में महामंत्री का उन्होंने दायित्व संभाला है और फिलहाल आपको बता दें अपने दर्शकों को कि वो महिला कांग्रेस कमेटी में उपाध्यक्ष हैं। तो ये तमाम बातें मीना जी हमने आपके बारे में तो बता दी दर्शकों को, लेकिन जरा आप बताइए अपने बारे में कि क्यों इन तमाम दावेदारों के बीच में मीना जी को रुद्रपुर की जिम्मेदारी, रुद्रपुर का टिकट मेयर का दिया जाए। अपने कामकाज के बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताइए। सबसे पहले तो मैं आप सबको नमस्कार करती हूँ। नमस्कार। और जैसा कि अभी निगम का और निकाय चुनाव आने वाले हैं जी, और आरक्षण भी होने वाला है, और रुद्रपुर निगम अगर सामान्य रहा तो जनता की और हमारी पार्टी के भरोसे पे मैं पूरा खरा उतरूंगी। जी, हेलो जी जी मीना जी अपनी बात को रखिए आप। हाँ, और जैसा कि सामान्य सीट होने पर भी हमारी जनता, हमारे कार्यकर्ता लगातार हमारी तरफ निगाहें करे हुए हैं और सभी का आशीर्वाद रहा जी, तो मैं उनकी उम्मीदों पे खरा उतरूंगी। ठीक, अभी भी एक महिला जो है वो मेयर मौजूद है वहाँ पर, तो क्या कांग्रेस पार्टी को एक महिला के खिलाफ एक महिला उतारनी चाहिए? हालांकि अब ये तय नहीं है कि अब अगर सीटें जो है आरक्षित नहीं रहती हैं तो हो सकता है बीजेपी की तरफ से कंटेंडर कोई और हो जाए, लेकिन आपको लगता है कि फिर आप जो है एक महिला ही लड़े कांग्रेस के लिए वो ज्यादा बेहतर होगा? देखिए, हमारा 5 साल का जो कार्यकाल रहा वो हमारी रुद्रपुर की जनता ने देखा है और हमने पूरी कर्मठता के साथ 5 साल का कार्यकाल हमने काम किया है और उसी हमारे व्यवहार और कार्यों को देखते हुए जनता पुनः हमारी तरफ देख रही है जी। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सामान्य में भी लोग महिला की तरफ ध्यान ना दें जी, लेकिन हम अच्छे से काम करेंगे। लेकिन उन 5 सालों के कामकाज को देखकर ही जनता ने मैंडेट भी दे दिया, रुद्रपुर के अंदर कांग्रेस का सफाया हो गया, तो ये भी तो सवाल उठेगा कि भाई आखिर में चाहे वो मेयर की कुर्सी हो या फिर विधानसभा का चुनाव, कांग्रेस के हाथ वहाँ रुद्रपुर में पूरी तरह खाली है। देखिए, लोकल बॉडी में फेस वैल्यू और लोग पर्सनल व्यक्तित्व को देखता है कि हमारी छोटी से छोटी समस्याओं को कौन व्यक्ति आसानी से समझेगा, तो हमारी बात को सुनेंगे और हमारे साथ सुख दुख में खड़े होंगे जी। आपको लगता है आपकी फेस वैल्यू ऐसी है कि जनता आपसे सीधे कनेक्ट कर सके? नहीं, देखिए, अगर सामान्य सीट होने पर भी अगर हमारे नाम पर जनता और कार्यकर्ता और आम पब्लिक सोच रही है तो हमें लगता कि जनता हमें प्यार करती है जी। चले चलते चलते ये बताइए कि ऐसा तो नहीं कि आपके यहाँ ऐसी स्थिति हो जाए कि क्योंकि एक सीट है, कई सारे दावेदार हैं, आप तो सिर्फ अटव्वल की स्थिति तो नहीं होगी आपके अंदर कांग्रेस पार्टी के अंदर? नहीं नहीं, पार्टी जिस पर भरोसा करेगी और जिसको भी टिकट देंगे, चाहे पार्टी हमें टिकट देगी या हमारे किसी भी कैंडिडेट को देगी, हम दमखम के साथ उनको लड़वाएंगे। चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद आपका मीना जी इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो एक करके तमाम लोगों की बातें हम सुना रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच में हमने आपको जनता की बात भी सुनाई थी। आपको याद होगा जनता की तरफ से किस तरह की टिप्पणियां आ रही हैं। जनता कह रही है कि मेयर को हमने देखा नहीं है। लोगों में इस बात की नाराजगी है कि जब दिक्कत होती है तब कोई सामने नहीं आता है, चुनाव आते ही सबके चेहरे दिखने शुरू हो जाते हैं, लोग तमाम तरह की बातें करते हैं लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही नज़र आती है। लेकिन सवाल जो है, कई सारे सवाल यहाँ पर अब खड़े हो रहे हैं। हालांकि दावेदार तो बहुत सारे हैं, लेकिन इन दावेदारों को भी इस बात को ध्यान रखना होगा कि जो जनता बोल रही है उसको भूले नहीं, अगर उनको टिकट मिल जाए तो भी और जीत जाए तो भी, क्योंकि ये जनता है, मूड कभी भी बदल जाता है। जिस तरीके से लोग अभी नाराज़गी दिखा रहे हैं, अगर वो भी चुनाव के बाद नहीं दिखे तो वो भी आगे दिखने के काबिल नहीं बचेंगे। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, आप देखते रहिए जैन टीवी। नमस्कार।